श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंध अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आधार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनक कुमार हैं। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रो, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं, हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं, मन्यु, मनु, महीनस, महान,
शिव, ऋतु ध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृत व्रत। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं और वे इस प्रकार हैं: दी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वदा तथा दीक्षा। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है और मुझ पर भी आक्रमण किया है। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हां कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची, और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगीरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। धर्म ब्रह्मा के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ, जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण आसीन है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहां जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच से, लालच उनके ओटों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। महान देवहूति के पति कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ
ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया। यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी, अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक यह कहा, हे पिता, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते? यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कुहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली चार प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार है यज्ञकर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के चार सिद्धांत सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक, यजुः, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुचरित वैदिक स्रोत, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी, उक्त, पुरीशी, अग्निष्टोम, अप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। शिक्षा, दान,
तपस्या तथा सत्य को धर्म के चार पांव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए चार आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार सावित्र का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम एक वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों प्राजापत्यम यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम बृहत वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां वार्ता गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवार कर्तव्य संचय तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर चिलोंच एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। वानप्रस्थ जीवन के चार विभाग हैं वैखानस वाल्खिल्य औधुम्बर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के चार विभाग हैं कुटीचक बहोवध हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। तर्क शास्त्र विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य कानून तथा व्यवस्था आचार संहिता तथा बुह बुवह स्वह नामक विख्यात मंत्र ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उछणी अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस से अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगदीश छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में उनका शरीर स्वरों के रूप में उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं। अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय, यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। इनमें से जिसका नर रूप था
वह स्वायंभू मनु कहलाया और नारी शतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। हे भरत पुत्र, समय आने पर उसने मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तान पास एवं 3 कन्याएं आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मंजली पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।